जो है माल के हवाले से ये बात हमारे समाज में पाई जाती है कि हम इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी और इसका जो वाकईतन उसकी जो हैसियत है उस हैसियत से बढ़ा चढ़ा करके उसको बेचने और उससे जो है फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसको जो है बिल्कुल मना किया गया है। वो हशीर जो मन गशा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है, ये जो हदीस है वो तिजारत ही के हवाले से है। साहबी रसूल जो है मार्केट में बैठ करके अपना अनाज जो है बेच रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र वहाँ से हुआ और आपने जो है अनाज के ढेर को जब देखा, आपने हाथ डाला अंदर तो आपको कुछ नमी महसूस हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कैसा है। तो उन्होंने कहा अभी जो है बारिश की फुहार आई थी, उसमें जो है जो ऊपर का हिस्सा था इस अनाज का वो गीला हो गया था, तो मैंने जो है उसको अंदर कर दिया और ऊपर का सूखा जो था उसको ऊपर कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर जो है ये बात कही कि आप ऐसा ना करो, ये धोखा है और जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको जो है ख़ास तौर पर याद रखना चाहिए और तिजारत में बहुत सारे उमूर व मामलात में ये जो है हमको देखना चाहिए कि कहाँ जो है हम जो चीज़ है उसको उसकी वाकई हैसियत से हटा करके जो है दूसरे तरीके से उसको जो है बनाते हैं, फ़रोख करना चाहते हैं उस हैसियत, वो सब जो है चीज़ें आ जाएगी। वो अजनास में भी आएगी, आप कोई जींस फरोख कर रहे हैं उसमें भी आएगी, वो और जो जो चीज़ें आप फरोख करते हैं हर मामले में जो है वो उसका इतलाक़ होगा कि वहाँ पर अगर यही पेश नज़र हो कि इसकी वाकई सूरत जो है, हकीकी सूरत जो है उससे बढ़ा चढ़ा करके उसको बयान किया जाए या पेशकश ऐसी हो कि उस तौर पर जो है उसको सामने वाला बेहतर समझे और उसको ख़रीद ले और आपको जो है फ़ायदा हासिल हो जाए, हालांकि वो वैसी नहीं थी, तो इसको जो है मना किया गया है, इससे रोका गया है। इसी तरह जो है तिजारत के हवाले से ये बात भी जो है मना की गई है कि आप जो है उसके मतलब ये क्वांटिटी पर यानी तथफीफ जिसको कहते हैं वो दरअसल जो है उसकी मकदार पर है कि मकदार के हवाले से आप जो है गरार करें, धोखा करें, आप उस हवाले से जो है फ़ायदा आप हासिल करें और उसको उतनी मकदार में वो चीज़ ना दे जितनी मकदार के आप पैसे वसूल कर रहे हो, तो उससे भी जो है मना किया गया है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी इसमें आते हैं, दोनों भी चीज़ों के सिलसिले में जब जो है ताजर इस तरह का रवैया अख्तियार करता है कि वो जो है उसकी हकीकी जो सूरत है, हकीकी जो हैसियत है उससे बढ़ा करके उसको बयान करे, उससे ज़्यादा हकीकत वाक़िया के ख़िलाफ़ जो है इसको पेश करे और उसको फ़रोख करे, तो इससे जो है दीन इस्लाम ने मना किया है और इसको धोखे से, गरर से और ज़रर से ताबीर किया है कि ये नुकसान पहुँचाना वाले सामने वाले को, तो इससे मना किया गया है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप इस मामले में एहतिकार रोक लेना। मार्केट में आप देख रहे हैं कि चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और लोग जो है औने पौने दाम दे करके ख़रीद सकते हैं, तो उस वक्त जो है इस तरह की सूरत हाल पैदा करना कि चीज़ें दस्तियाब ना हो लोगों को चीज़ें दस्तियाब ना हो और फिर लोग जो है उसके शॉर्टेज की वजह से किसी तरह से उसको हर तरह ख़रीद लेना चाहिए, या आपको मालूम है कि मुस्तकबिल में किसी वक्त जो है फला चीज़ की ज़रूरत जो है लोगों को बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो आप उसको अब रोक लें और फिर जब वो वक्त जब ज़रूरत लोगों की पेश आए उस वक्त जो है आप उसको मार्केट में लाए और फिर वहाँ पर जो है उसकी अपनी मनमानी कीमत वसूल करें। अब रमज़ान आने वाला है, रमज़ान से पहले पूरे फ्रूट्स जो है कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं और कोल्ड स्टोरेज में जा करके वहाँ डंप रहते हैं, लोगों को दस्तियाब नहीं रहते। लीमू है वो गर्मियों के मौसम में वो जो लाया जाता है मार्केट में और फिर उसकी बहुत सारी कीमत वसूल की जाती है, तो इस तरह से जब किया जाता है ये सूरत को भी जो है मना किया गया कि आप ऐसे मौके की तलाश में रहें कि जब आपको जो है ज़रूरत लोगों की ज़रूरत का इस्तेहसाल और उसका एक्सप्लॉयटेशन आप कर सके, उससे भी जो है मना किया गया। दीन इस्लाम ने उस सूरत से भी जो है मना किया है, तो इसको भी जो है एक मुस्लिम ताजिर को पेश नज़र रखना होगा कि कहीं वो इस तरह की सूरत तो पैदा नहीं कर रहा है कि लोगों की ज़रूरत की अशिया, बुनियादी ज़रूरत की अशिया उसको जो है जब उनको ज़रूरत है उस वक्त वो रोक लेता हो
और रोक करके उसका शॉर्टेज पैदा करता हो, और फिर बाद में उसको जो है ज़्यादा कीमत से बेचता हो और मुनाफा हासिल करता हो, इससे भी जो है तिजारत में, इस्लामी तिजारत में जो है मना किया गया। और जो सूरतें हो सकती है उसमें जो इस्लाम ने जो है बातिल एक बुनियादी इस्तेला इस्तेमाल किया कि ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, 29 नंबर की आयत है सूरह निसा की, कि अपने माल को बातिल तरीके से ना खाओ, आपस में एक दूसरे बातिल तरीके से माल जो है ना खाओ, इसका हुसूल ना करो। तो बातिल की ये जो है जामे इस्तेला जो है ला लिया, हक के मुकाबले में बातिल कुरान मजीद इस्तेमाल करता है, कुल जा अल हक़ ज़हक़ अल बातिल, इस्लाम ने अपने आप को दीन हक का और इसके बिलमुकाबिल जो है उसको सबको बातिल कहा। तो तिजारत में भी अल्लाह तबारक तआला ने उस इस्तेला को इस्तेमाल किया और उसने कहा कि तिजारत में बातिल तरीक़े इख्तियार करना इसको जो है ममनू करार दे दिया है। अब वो बातिल तरीक़े क्या है? बातिल तरीक़े वो सारे तरीक़े हैं जिससे जो है आप जिसके साथ मामला कर रहे हो, तिजारती मामला कर रहे हो, छोटा हो बड़ा हो, चीज़ों का हो या और किसी हवाले से हो, कोई भी मामला हो, उस मामले में जब आप बातिल तरीक़ा और इस्तेहसाल की एक्सप्लॉयटेशन उसके हवाले से जो है आप उस मामले को कर रहे हो, तो उसको जो है अक्ल बिल बातिल कहते हैं, बातिल तरीक़े से माल खाना कहते हैं, और इसको जो है दीन इस्लाम ने मना कर दिया है, दीन इस्लाम ने इसको मना कर दिया है। हम उन सारी सूरतों को जो इस वक्त समाज में बातिल तरीक़े से माल खाने की, छोटी बड़ी दुकानदारी की या और किसी हैसियत से, उस तमाम सूरतों को अपने जहन में मुस्तदर करें और देखें कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी जो है मामले, कैसे कैसे मामले जो है लोग करते हैं, और किस तरह से जो है बस ये पेशे नज़र होता है कि हम माल कमा लें, माल जो है इसके ज़रिए से हासिल कर लें। तो उन सारी सूरतों को बना किया गया और उसके बिलमुकाबिल ये कहा गया है कि अंतराजिम बैनकुम, तिजारतन अंतराजिम बैनकुम, कि आप ऐसी तिजारत करें जिसमें जो है आपका मद्द मुकाबिल जो बाय ख़रीदने वाला है, परचेजर है, ख़रीदार है, उसके साथ किसी किस्म की कोई चीट ना हो और उसको कोई ये बात महसूस ना हो। आप मार्केट में जाएं तो मार्केट में आम तौर पर जो है जो चीज़ समझ लीजिए 200 रुपए की है, कीमत बताई जाती है 800 रुपये, 800 रुपये कीमत बताते लिख करके रखते, और फिर जो है बार्गेनिंग करके उसको जो है जो कीमत फिर तय हो जाती है वहाँ पर जो है बेच दिया जाता है उसको। तो अब ये अंदाज़ा ही नहीं होता अब मार्केट में आमतौर पर, ये धोखा है कि आप जो चीज़ की जो कीमत है उस कीमत से 4 गुना 3 गुना बढ़ा करके जो है आप कहें उसको, और फिर जो है उसको बार्गेनिंग करवाए, उसमें झूठ बोले, आप जो है ये बात कहें कि नहीं इतने में तो हमको आया ही नहीं है, इसमें बहुत हमको जो है ऐसा है वैसा है, इस तरह की सारी चीज़ें, और फिर आप उसको अपनी मनमर्जी जो है उसके मुताबिक बेच दें। तो इस तरह की सूरत मार्केट में बहुत ज़्यादा जारी है। कपड़ों के बाज़ार में जाएं आप, किसी और चीज़ों को ख़रीदने के में जाएं आप, तो देखेंगे कि इस तरह की जो है बातें लोगों में आम है और इसको आमतौर पर ऐब भी समझा नहीं जाता है, ऐब नहीं समझा जाते, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। फिर ये बात भी जो है बातिल तरीके में लिखी गई है कि आप किसी चीज़ की कीमत को उस बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, वर्चुअल ग्रोथ का एक तस्वीर मार्केट में आवाम है कि फर्जी जो है एक हाइप क्रिएट की जाती है, फर्जी किसी भी हवाले से, और उसके नतीजे में कोई भी चीज़ जो है उसको एक बहुत पीक तक उसकी कीमतों को ले जाया जाता है, हालांकि उस तरह की नहीं होती। मार्केटिंग टैक्टिस के ज़रिए से, झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए से, ज़मीनात का कारोबार है तो पूरे मार्केट में इस तरह के एजेंट फैले हुए हैं जो वर्चुअल ग्रोथ बतलाते हैं ज़मीनों की, और जो है किसी भी दाम पे जो है फ़रोख्त करने के लिए वो उसको कोशिश करते हैं। तो इस तरह के कीमतों के सिलसिले में इस तरह का गैरमामूली इजाफा, इसको भी दीन इस्लाम ने नफ़ा हासिल करने में जो है एक एतदाल की राह तय कर दी है, उसमें जो है गैरमामूली इजाफा करके मार्केट में जो है झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए से उसकी कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके वो जो है हासिल करना, नफ़ा हासिल करना, इससे मना किया गया है। इसको भी गरर से ताबीर किया कि ये भी एक धोखा है, ये भी एक गश है जिससे जो है रोका गया है। तो
इस पर भी एक मुस्लिम ताजिर को जो है मुतवज्जे रहना चाहिए कि उसकी कीमत ख़रीद क्या है, उसको क्या अखराज आता है, उसकी मेहनत और वक्त उस पर कितना लगाया है, उसका सरमाया कितनी देर उसके अंदर उस चीज़ की इसमें डंप रहा है, उस दौरान क्या चीज़ें जो है तब्दील हुई है, ये सब चीज़ें देख करके उसका एक एतदाल पर मबनी कीमत जो है वो तय की जानी चाहिए, ना कि आप जो है वर्चुअली आप उसको बढ़ा दें खूब और वो हकीकत में वो ऐसी कीमत ही ना है, उस तरह की कीमत ही उसकी ना हो या उसकी वो कीमत जो है हासिल ही ना हो सकती हो बाद में। तो इस तरह के इससे भी जो है मना किया गया है एक मुसलमान ताजिर को, और इसको भी बातिल तरीके से माल खाने से जो है ताबीर किया गया है। ये सूरतें जो है हमको अपनी तिजारत के दरमियान माल को फरोग करने के दरमियान इसको जो है मलहूद रखना चाहिए। हम जो है ये बात भी पेश नज़र रखें कि दीन इस्लाम ने जब ये बात कही है कि मुसलमान ताजिर अमानतदार मुसलमान ताजिर अताजिरुल अमीनु सदूक सच्चा ताजिर, तो इसमें आम तौर पर जो है हमसे ये बात मिस हो जाती है और हम बज़ाहिर जो है ऐसा सोचते नहीं है या सोचते भी है तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता है कि हम इसमें कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं और झूठ का सहारा ले रहे हैं। आप मार्केट में जाइए, मुसलमान ताजिर वो बड़ी आसानी के साथ जो है ये बात कहते हैं कि इतने में हमको नहीं आई है, हालांकि ये बात झूठ होती है, हमको इतने में नहीं आई है, वो बात झूठ होती है और कोई उस झूठ का वो नोटिस भी नहीं लेते कि ये जो बात हम कह रहे हैं ये झूठ बात ये है। वो आपसे जो है ख़रीदने वाला आपसे कीमत ख़रीद जो है पूछ नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है आप कहते हैं कि हमको इतने में नहीं आई है। तो अच्छे भले काम को आपने जो है ये बात कह करके कि हमको इतने में नहीं आई है ये कह करके उसको ख़राब कर दिया, छोटी सी बात लगती है लेकिन आपको मालूम है कि को आपको कितने में आई है, लेकिन आप जब ये कह देते हैं, जब कोई ताजिर इस तरह से कह देता है तो इसके नतीजे में आप वो जो बात एक ताजिर के लिए मुसलमान ताजिर के लिए रखी गई है कि वो सच बोलेगा, सच बोलेगा, आप झूठ बोल देते हैं और इसके नतीजे में जो है आपकी तिजारत पर जो है उसके अक्ल बिल बातिल का ठप्पा लग जाता है कि आपने झूठ बोल करके जो है माल अपना फरोख करने में झूठ बोला है। तो इसको जो है ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि हम जब बात करें, जब डीलिंग करें तो उस डीलिंग में कहीं धोखा ना हो, कहीं झूठ ना हो, कहीं जो है फर्जी उसकी खूबी बयान करके उसको बेचने का मामला ना हो। वो जो बात कही गई कि झूठी कसम खाना, वो जो है वो यही है कि हम जो है फर्जी तौर पर उस चीज़ के हवाले से ऐसी बातें कहें जो उसमें है नहीं या उतने दर्जे की नहीं है जितने दर्जे की जो है उसको कहा गया बता रहे हैं, तो इससे भी मना किया गया। फिर ये बात के तिजारत को जो चीज़ जो है ख़राब कर देती है या उसको हराम की तरफ ले जा सकती है वो ये है कि आपके पास कोई चीज़ अच्छी भी है कोई चीज़ ख़राब भी है, आपने अच्छी और ख़राब चीज़ को मिक्स कर दिया, ये मिक्सिंग जो है इसके ज़रिए से भी जो है आप खराब मामला जो है ख़राब हो जाता है, बय का मामला फरोख का मामला जो है वो धोखाधड़ी का और ख़राब मामला हो जाता है। तो इसको भी हमको जो है पेश नज़र रखना चाहिए कि हम जो है माल कौन सा किस किस्म का माल कैसे, जैसे ये बात आमतौर पर देखी जाती है कि अनाज के मामले में अच्छी क्वालिटी का अनाज जो है उसमें कुछ सब स्टैंडर्ड अनाज मिला दिया जाता है और वो जो है गेहूँ है समझ लीजिए, गेहूँ में अच्छे गेहूँ और उसमें एक क्विंटल में आपने अगर उसका रेट जो है 30 रुपये के जी पर के जी का है, एक क्विंटल में आपने 25 किलो भी मिला दिया तो वो जो है 25 किलो गेहूँ जो आपने उसमें मिलाया है वो राशन का था या वो कहीं और सब स्टैंडर्ड था, वो था 20 रुपये किलो का, लेकिन आपने उस मिक्सिंग के ज़रिए से 25 किलो पर 10 रुपये पर के जी जो है इजाफी लिया, धोखा हुआ है, इससे मना किया गया है, इसको जो है मना किया गया और इसको भी जो है तिजारत में फरोख कुनिंदा को इससे जो है रोका गया है कि इसको वो ना करें और इस तरह की जो है मिक्सिंग वो ना करें। माल का ऐब बयान करके बेचना ये मुसलमान ताजिर पर जो है ज़रूरी करार दे कि जो भी ऐब उसके अंदर है आप ये ना करें कि उस ऐब को छुपा दे या आप जो है उसको बताए ही नहीं, छुपा देना या खामोशी में मुबहम तरीके से बेच देना, वो ऐब बताया ही नहीं जाए बल्कि खूबी बताई जाए और उस तरह से जो है बेचा जाए। इस तरह से जो है माल का ऐब बयान करके आप नहीं बेचेंगे
तो छोटी तिजारत हो, बड़ी तिजारत हो, चीज़ों की तिजारत हो या और कोई तिजारत, अजनास की तिजारत हो या कपड़े की तिजारत हो या ज़मीनात की तिजारत हो, कोई भी तिजारत हो, आप उसका ऐप बयान करके बेचेंगे नहीं। आमतौर पर जो है हमारे काम करने वाले कारोबारी लोग, प्लॉटिंग का काम करने वाले लोग प्लॉटिंग निकालते हैं, प्लॉटिंग के वक्त बड़ी खूबसूरत जो है उसकी सूरतगरी करते हैं, यहाँ मस्जिद होगी, यहाँ प्लेग्राउंड होगा, यहाँ फला चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, और जैसे जैसे फरोख्त होते जाता है वो जो चीज़ें जो है वहाँ पर उन्होंने लोगों की सहूलत के लिए मुहैया की थी वो सब हवा हो जाती है, वो निकल जाती है, वो बाकी नहीं रहती है। तो हम इसको भी जो है पेशेनजर रखें कि हमने आय बयान करके उसका बेचे कि ये ज़मीन, ज़मीन है समझ लीजिए, वो एग्रीकल्चरल ज़मीन है, यानी जहाँ पर जो है आप उसको रेसिडेंस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वो एजुकेशन जोन की ज़मीन है, वो किसी और जो है मुख्तलिफ जोन की ज़मीन है, आपने जो है वर्चुअल उसकी खूबियाँ बयान की फर्जी और भेज दिया उसको, अब बाद में लोगों को प्रॉब्लम है, पूरा इलाका कटकट गेट का, जिन लोगों ने ज़मीन बेची है आप कई एकड़ों की ज़मीन जो है पता चला कि ये एनिमी प्रॉपर्टी है, और अब गृह मंत्रालय का जो है उसके अंदर इंदिराज हो गया, जिन लोगों ने बेचा उन्होंने मालूम ही नहीं करा लोगों को कि ये इस तरह के मामला थे और हमारा कोर्ट में केस इसके हवाले से जेरे इल्तवा है, चल रहा है, और लोगों को बेचते गए ज़मीनात बेचते गए, आज जो है उस पर बुलडोजर चलने की बारी है, लोगों को नोटिसेस मिल गई है कि ये ज़मीन आपकी ज़मीन नहीं है। तो छोटे मामलात हो, बड़े मामलात हो, छोटी तिजारत हो, बड़ी तिजारत हो, अजनास की, अनाज की तिजारत हो, या खाने पीने की तिजारत हो, या जो है और कॉस्मोटिक्स की तिजारत हो, जो भी हो, उसमें जब हम जो है इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं कि जिसमें हम वर्चुअली कुछ चीज़ें अख्तियार करके एक उसका हाइप क्रिएट करते हो और उस एतबार से उसको बेच देते हो, ये गरर में है, ये गश में है, धोखा है, ये जो है वो मुसलमान ताजिर की जो खूबी बयान की गई कि वो अमानतदार है और सच्चा है, उसके खिलाफ ये चीज़ जाती है, तो हमको इससे जो है मना किया गया है। तो हमको अपनी तिजारत के सिलसिले में जो बात याद रखनी चाहिए वो ये है कि माल बेआब हो, माल क्वालिटी के एतबार से अच्छा हो, माल क्वान्टिटी के एतबार से अच्छा हो, माल की खूबियाँ जो बयान की जा रही है वो वर्चुअल ना हो, एक्चुअल खूबियाँ उसकी हो, जो भी माल हम माल तिजारत है उस हवाले से हो, उसको आर्टिफिशियल जो है उसका शॉर्टेज पैदा करके उससे जो है हम कीमत हासिल नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हासिल नहीं कर रहे हो, ऐसा ना हो, हम मार्केट में जो है जो टैक्टिस इख्तियार करते हैं लोग आमतौर पर कीमतें बढ़ा करके बहुत ज़्यादा, तो उस तरह से यानी उसकी एक जो हद है उस हद से तजावुज़ करके उसको जो है हम उस तरह के रवैया अख्तियार ना करें और लोगों का इस्तेहसाल उसको ना करें, तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है अक्ल बिल बातिल में आती है कि माल को बातिल तरीके से खाना है, और इसके पीछे वही है कि एक पार्टी ये समझे कि एनी हाउ मुझको जो है अपनी इस डील से फ़ायदा हासिल करना है, सामने वाले को नुकसान होता हो सामने वाला ज़रर उसको लायक होता हो और उसमें जो है उसको किसी तरह का जो है परेशानी में मुब्तला होता हो जाए वो, लेकिन हमको जो है इसको इख्तियार करना है, तो इससे जो है मना किया गया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आम तौर पर हर फील्ड में इस तरह की सूरत हालात पैदा हो गई। मेडिकल स्टोर पर जाओ, डॉक्टर एक चीज़ लिखता है वहाँ से देता दूसरी है, वो दूसरी दे देता, किसी फील्ड में जाएँ आप तो आपको महसूस होगा कि हर फील्ड में इस तरह की चीज़ें जो है वो सरायत कर गई है। हमको इस हवाले से अपनी शनाख्त, नुमाया शनाख्त बनाना है, और ये नुमाया शनाख्त बनाना ये हमारे ईमान का तकाजा भी है और हमारे दाई होनी है की हैसियत से भी हमसे मुतालिबा है कि लोगों के नज़दीक हमारी शनाख्त ये बने कि ये मुसलमान ताजिर, ये ईमानदार है, ये सच्चा है, ये बेऐब माल बेचता है, ये क्वालिटी और क्वांटिटी पर समझौता नहीं करता है, ये धोखा नहीं देता है, इसने जो है झूठ नहीं बोला है, इसने वर्चुअली कीमत बढ़ा करके मेरा एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया है। ये सारी चीज़ों से जब एक जो है ताजिर एराज करके अपनी तिजारत को जो है अंजाम देता है तो उसका ये अमल एक जो है दावत भी बन जाता है, दावत भी बन जाता है। अब हम जानते हैं कि सिंध के साहिल पर इतर जो है जब मुसलमान ताजिर आए तो उन ताजिरों के ईमान के साथ साथ जिस चीज़ों को उन्होंने देखा वो उनकी तिजारत में दियानतदारी, सच्चाई और अमानतदारी थी, जिसके नतीजे में जो है वो इस्लाम जो है मकबूल हुआ इस्लाम। तो आप हम देखते हैं कि फातेहाना हैसियत में जो मुसलमान आए उन्होंने अपने असरात कम छोड़े,
ताजराना हैसियत में जो मुसलमान आए उनके असरात ज़्यादा है, देर पा है, और उसने जो है ज़्यादा लोगों को मुतासर किया है। तो पूरी स्टडी है, हम उसको पेश नज़र रखें। और जिस तरह की प्लूरल सोसाइटी में इस वक्त हम रह रहे हैं, अगर हम ये शनाख्त अपनी बनाएंगे तो हमारी दावत को भी उस हवाले से एक क्रेडिबिलिटी हासिल होगी, उस पर भी लोगों का जो है एतमाद बढ़ेगा कि हम जो है अपने आप को इस तौर पर बेहतर अंदाज में पेश करें। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि हम को अल्लाह ताला जो है अक्ल बिल बातिल की सारी सूरतों से इज्तनाब करने की तौफीक बख्शे, और अल्लाह तबारक व तआला हमको जो है तिजारत के फील्ड में हम हैं तो हमको जो है ताजरुल अमीन उस्सदूक अमानतदार सच्चा ताजिर बनने के जो है तौफीक नसीब फरमाए, उस पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।